बढ़ला दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अड़ुआ अबकारी दुर्नीति मामलें दिल्ली उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 जन विरोध में लुकआउट नोटिस जारी की सीबीआई जारी होता सर्कुलर सीबीआई समस्त व्यक्ति ना उल्लेख कर एफआईआर दायर कर लुकआउट सर्कुलर जारी होता मनीष सिसोदिया अन्य देश बाहर को जापारे ना सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया गत एक सांबादिक सम्मेलन डक केन्द्र सरकार को बर्ति आप दिनकू दिन लोकप्रिय हो केन्द्र सरकार यार मंत्री विधायकों टार्गेट कर सिसोदिया अभियोग करते मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आज सुबह ही महंगाई की रिपोर्ट आई है इतनी सारी। महंगाई के बारे में नहीं सोचते मोदी जी, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। आज देश ऐसे नेता को ढूंढ रहा है जो महंगाई का सॉल्यूशन ढूंढे, जो बेरोजगारी का सॉल्यूशन ढूंढे, ये देश को नंबर वन बनाने पे काम करे। अब मनीष सिसोदिया को नंबर जीरो बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर जीरो बनाने की सारी साजिशें कर लो, उससे क्या होता है? इससे देश थोड़ी नंबर वन बनेगा। देश तो नंबर वन बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री बैठ के, सारे मुख्यमंत्री और सब लोग बैठ के 24 घंटे हेल्थ के बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें, काम करने के बारे में सोचें। ये सोचते हैं कैसे बस विपक्ष की सरकार को गिरा दो, कैसे सीबीआई का मिसयूज कर लो, कैसे ईडी का मिसयूज कर लो, कैसे किसी को नोटिस दिला दो। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में।